ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम क्या करेंगे? सो आज हम करेंगे हॉटस्टार कैसे 10.3 मिलियन या उससे ज्यादा कंकरेंट यूजर्स को स्ट्रीम करता है। हम लोगों ने ये काफी पहले देख लिया है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट वी विल डू। सो हाउ हॉटस्टार स्केल विद 10.3 मिलियन कंकरेंट यूजर्स। तो इसमें क्या होता है कि हॉटस्टार ये सब थोड़ा बताया है कि भाई क्या करता है क्या नहीं करता है, एंड ये सब करके हम बात करते हैं टेक्निकल इनसाइट्स की। तो हॉटस्टार का जो टेक्निकल बैकएंड है वो AWS Amazon वेब सर्विसेज से होता है, और ये CDN पे करते हैं जिनका पार्टनर है Akamai। सो ऑल द ट्रैफिक जो है वो सर्व कर रहा है EC2 इंस्टेंस से एंड S3 से। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो इनका बैकएंड रहता है Amazon AWS पे, और CDN पार्टनर जो है वो Akamai है। ट्रैफिक जो है वो EC2 इंस्टेंस से होता है, और S3 ऑब्जेक्ट स्टोर जो है वो यूज होता है हमारे डेटा स्टोरेज के लिए। तो ये सर्वर जो है वो यूज करता है ऑन डिमांड का और स्पॉट इंस्टेंसेस का, ताकि हमारा जो इंस्टेंस है वो कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो। अब रनिंग मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस एल्गोरिथम रन होते हैं स्पॉट इंस्टेंसेस पे, जो हमको बिल्ड करते हैं कि हमको कितना कट डाउन करना है ये एल्गोरिथम से वो मेंटेन होता है। अब काफी डेटा जो है वो यूज होता है डबल डिजिट पे, जनरेट होता है रेगुलर डे पे, और ये प्रोसेस होता है बाय द हेल्प ऑफ Amazon का AWS EMR क्लस्टर। EMR क्या होता है? ये एक मैनेज हडूप फ्रेमवर्क है जो प्रोसेस करता है मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा अक्रॉस EC2 इंस्टेंस। ठीक है, नाउ अदर पॉपुलर फ्रेमवर्क है जैसे अपाचे, स्पार्क है, प्रेस्टो है, एजबेस है, ये भी हम यूज कर सकते हैं AWS EMR के साथ। ठीक है, तो ये होता क्या, ये एनालिटिक्स के लिए काम आता है Amazon AWS EMR। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कैसे होता है, या लोड टेस्टिंग के लिए या प्लेटफॉर्म ऑफ द बिग इवेंट के लिए? तो हम अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की बात करें तो ये अराउंड 500 प्लस AWS CPU इंस्टेंस पे होता है, जो कि अराउंड 3-4.4x लार्ज या उससे भी बड़े हो सकते हैं, जो कि 75% यूटिलाइजेशन पे चलते हैं। तो जो C4X जो है वो एक बॉम्ब नहीं है, ओके वो इंस्टेंस है जो कि CPU के इंटेंसिव ऑपरेशन पे काम करते हैं, और बहुत ही लो प्राइस रहता है पर कंप्यूट रेशियो इनका, और ये काफी हाई नेटवर्किंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो स्टोरेज परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज रहता है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। और C4.4 जो है वो बेसिकली 30 गिग्स ऑफ रैम रखते हैं, और C4.8X जो है वो 60 गिग्स ऑफ रैम रखते हैं। जो एंटायर सेटअप है वो 16 TB का होता है ऑफ रैम एंड 8000 CPU कोर्स का रहता है, एंड पीक डेटा ट्रांसफर वॉज अप्रोक्स 32 GB पर सेकेंड। ओके, नाउ द एनर्जी बोलता हूँ, सॉरी, इंजीनियरिंग टीम जो है वो काफी ज्यादा स्पॉट और ऑन डिमांड इंस्टेंसेस का जो है वो ध्यान रखती है, उससे हमारा जो कॉस्ट है वो लो होता है। सबसे मेन चीज होता है हॉटस्टार में कैसे हम ट्रैफिक को सिमुलेट कर रहे हैं, तो तीन चीज होता है। पहला तो हमारा ट्रैफिक मॉडल क्या है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, और लोड जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, अब ट्रैफिक मॉडल प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो इंजीनियरिंग टीम जो है वेरी बेसिक ट्रैफिक मॉडल से काम करती है, API एंड पॉइंट्स को हिट करती है सर्टेन रेशियो ऑफ रिक्वेस्ट से, कुछ इनिशियल रन उसमें चालू करती है। ओके, अब क्या होता है, तो यहाँ पे दो टाइप होते हैं यूजर इंटरेक्शन के, पहला जो ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और लॉग इन है, और दूसरा जो पहली बार या नॉर्मल विदाउट लॉग इन यूज करते हैं। तो हम दोनों नेविगेशन सिनेरियो को माइंड में रख के हम ट्रैफिक मॉडल क्रिएट किया जाता है वहां पे। अब हम स्पाइक्स लेके आते हैं इस मॉडल पे, मतलब कैसे सडनली अप होता है। कुछ टूल्स हैं दैट वर यूज्ड टू रिटर्न सिमुलेशन एंड, जैसे गैटलिंग हुआ, flood.io। गैटलिंग क्या है, एक ओपन सोर्स लोड परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल है वेब एप्लीकेशन का, जो कि स्केला का नेटिव पे बिल्ड है, और ये जे मीटर के ऊपर प्रिफेयर किया जाता है क्योंकि इसका जो टेस्टिंग टूल है बहुत पॉपुलर है ये, और ये कैपेबिलिटी है कि आप काफी कंग्रेंट यूजर्स एक टाइम के लिए सिमुलेट कर सकते हैं। अब गैटलिंग क्या है, गैटलिंग समझ में आएगा आप लोग क्या है, एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल है, TFR हो जो बोलते हैं हम लोग, और ये यूज किया जाता है मेंटेन करने के लिए यूजर स्टेट के साथ। अब काम आते हैं सिमुलेशन स्क्रिप्ट की, इनको डिजाइन किया गया है कि ये काफी सेवरल वर्क फ्लो थ्रू आउट द सिस्टम ये कर सकते हैं, जैसे यूजर लॉगिन फ्लो है, स्ट्रीमिंग फ्लो है, एक्सेट्रा। अब ये जो सिमुलेशन है ये रन होता है AWS के डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर में, और ये सिमुलेटेड किया जाता है 20 मिलियन यूजर्स को सिमुलेट करता है, आउट ऑफ विच 4 मिलियन जो है वो कंकरेंटली आते रहते हैं।
अब एनदर एक क्लाउड बेस्ड टेस्टिंग टूल है flood.io, जो कि यूज किया जाता है गैटलिंग के साथ, ताकि हम लोड टेस्टिंग के लिए, flood.io जो है वो लोड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म टेस्ट में रन करता है और ओपन सोर्स पे ये होता है, ठीक है। अब आते हैं, ये सब चीज तो हमने मैप कर दिया, अब स्ट्रेटजीज किया जाता है कैसे स्केल किया जाए। पहले होता है ट्रैफिक एंड लैडर बेस्ड स्केलिंग। ट्रैफिक बेस्ड स्केलिंग क्या होता है, जैसे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हम अपने सिस्टम को, इंफ्रा को बढ़ाते जाएं। तो ये वर्क करता है जब हम एक अनप्रिडिक्टेबल लोड के साथ काम कर रहे हैं। लैडर बेस्ड स्केलिंग प्रिफर किया जाता है जब हमको ज्यादा डिटेल नहीं पता है प्रोसेस के लिए, और इसके लिए हमें टीम को प्रीडिफाइंड लैडर किया जाता है हर पर मिलियन कंक्रेंट यूजर के साथ। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाता है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको पूल पे ऐड किया जाता है। टेक्निक काफी सही है अगर प्रिडिक्टेबल लोड है तो। अब टीम जो है वो एक कंकरेंसी बफर रखती है 2 मिलियन कंकरेंट यूजर का, जो कि प्लेस किया जाता है एडिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पूल, जो कि 90 सेकेंड रखता है, और कंटेनर और एप्लीकेशन 75 सेकेंड के अंदर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस डिले को यूज करने के लिए टीम के पास एक प्री प्रोविजन बफर है। बफर अप्रोच को प्रिफर किया गया है एज कॉन्ट्रास्ट टू ऑटो स्केलिंग। तो ये हेल्प करता है टीम को अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक स्पाइक को हैंडल करने के लिए। और इन्होंने एक इंटरनल ऐप को जो है डेवलप किया, इंफ्रा डैशबोर्ड, विच एक्चुअली हेल्प देम टू टेक दिस स्केलिंग डिसीजन स्मूथली एंड क्वाइट अहेड ऑफ द टाइम। अब आते हैं इंटेलिजेंट क्लाइंट। प्रोटोकॉल्स आर इन प्लेस टू विद कम इफेक्ट व्हेन द बैकएंड इज ओवरवेलम्ड विद रिक्वेस्ट एंड द एप्लीकेशन क्लाइंट एक्सपीरियंसेस इंक्रीज लेटेंसी, बिकॉज लेटेंसी कम ज्यादा हो रही है। तो क्लाइंट अवॉइड करता है बर्डनिंग द बैकएंड सर्वर, इवन अगर ऐसे सिनेरियो इंक्रीज कर रहे हैं बिटवीन सबसिक्वेंट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम कैशिंग और इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल्स यूज किया जाता है। नाउ आते हैं डीलिंग विद नेफेरियस ट्रैफिक। पॉपुलैरिटी जो होती है वो अनवांटेड अटेंशन भी लेके आती है। तो जो एप्लीकेशन है वो कॉम्बिनेशन किया जाता है व्हाइट लिस्टिंग और इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस हैं, जिससे आप नेफेरियस ट्रैफिक को अवॉइड कर सकते हैं एज सून एज ये आप पाते हैं इसको। तो अब डू नॉट डू रियल टाइम इफ द बिजनेस इज नॉट क्रिटिकल। रिसेंटली हॉटस्टार ने एक प्ले अलॉन्ग फीचर लगाया जिसमें यूजर जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं, लाइक सोशल एंड ट्रिविया क्वेश्चन लाइक फीचर। एक रियल टाइम के कारण काफी ज्यादा कंकरेंट ट्रैफिक लोड बैकएंड में डालता है। तो ड्यूरिंग कोई भी चीज को अगर रियल टाइम करोगे उसके साथ एक कॉस्ट आता है। तो रियल टाइम स्पाइक जो है ट्रैफिक को क्वाइट एक्सटेंट से बढ़ा देते हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए हमको एक काफी पावरफुल हार्डवेयर चलता है, जिस अगर तो वो उसको अगर नहीं करना तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं बाय नॉट इंट्रोड्यूसिंग इट रियल टाइम। ओके, दैट इज हाउ इट वॉज। आई होप यू लाइक इट। वील मेक समथिंग एल्स टुमारो, एंड इफ नॉट जस्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, बाय बाय।